फेस वॉश तो हम सभी करते हैं, पर क्या आप जानते हैं फेस वॉश के डूज एंड डोंट्स को? द वीडियो इज ऑल अबाउट द टॉप 5 टिप्स वाइल डूइंग फेस वॉश, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को हिट करें। मैं इस वीडियो में पॉन्ड्स एंटी पोल्यूशन फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो अगर आप देखना चाहें तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहली गलती जो हम सब करते हैं, हम फेस वॉश को हथेली पे ले लेते हैं। फेस वॉश को कभी भी हथेली पे नहीं लेना होता है, हमें आगे की अपनी फिंगर टिप्स पे लेना होता है। फिंगर टिप्स पे लेने से हमें हमारी फिंगर्स की वार्मथ मिलती है। फेस वॉश को कभी भी डायरेक्टली अपने पूरे फेस पे अप्लाई ना करें, फिंगर टिप्स पे हल्का सा लेके उसे रब करें। नोज से स्टार्ट करते हुए पूरे फेस पे उसको स्प्रेड करें। नोज़ के अराउंड हमारे सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स पाए जाते हैं, इसीलिए नोज़ से स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में अपने पूरे फेस पे फेस वॉश को स्प्रेड करें। जैसे जैसे आप स्प्रेड करते जाएं, धीरे धीरे आपको अपने पूरी फिंगर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेना है, जिससे आपको वार्मथ अच्छी मिले। पाम को अपने इंक्लूड ना करें। फेस वॉश लगाते लगाते हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम टिप नंबर 3 भूल ही जाते हैं। अंडर द आईज एंड अराउंड द लिप्स कभी भी फेस वॉश नहीं लगाना चाहिए, उससे आपकी स्किन वहाँ की और ज़्यादा ड्राई होती है एंड ड्राई होने की वजह से आपकी वो वाली स्किन ब्लैक भी हो जाती है। टिप नंबर 4, नेक को और ईयर्स को कभी भी इग्नोर ना करें। मैं इस वीडियो में, इस क्लिप में ईयर्स को नहीं शूट कर रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। टिप नंबर 5, फेस वॉश को फेस पे 1 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं रखना है, उससे पहले ही वॉश कर लें, अदरवाइज स्किन ड्राई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो हेयर इज़ वन बोनस टिप फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। फेस वॉश करने के बाद हमेशा एक क्लीन टावल लें पेट ड्राई करने के लिए। रिमेंबर वन थिंग, पेट ड्राई करने के लिए स्किन को कभी रगड़ना नहीं है, इससे आपकी स्किन पे जो पोर्स हैं वो अपना बैलेंस बिगड़ सकता है। हमेशा टैपिंग मोशन में, डैबिंग मोशन में उसको ड्राई करना है।